मौजूद है अटेली हलके के अंदर। हरियाणा प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसी के साथ तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और सभी जो टिकटार्थी हैं अलग अलग पार्टियों से वो भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में अटेली हलके की बात की जाए तो अहिरवाल क्षेत्र का यानी कि दक्षिण हरियाणा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत में एक बार फिर जुड़ रहे हैं विजय यादव, जो अपना खुद का एक ट्रस्ट चलाते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय नामक जो ट्रस्ट, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल अटेली हलके में सक्रिय हैं। 2 से 3 बार आप पूरे क्षेत्र को कवर कर चुके हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कैसा जो है समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है? अटेली जो है ये हलका, ये मेरा घर है जी, और यहाँ की मैं बेटी हूँ और यहाँ राउंड की बात तो है ही नहीं। 104 गाँव है, 104 गाँव में हर घर से मैं जुड़ी हुई हूँ। क्या ऐसी मन को टीस लगी, क्या ऐसे जो है विचार आए कि हाँ अब हमें भी राजनीति के क्षेत्र में उतरना? राजनीति मेरे लिए अटेली है, मेरा राजनीति का मतलब ही मेरे लिए अटेली है। बहुत मुझे दर्द होता है कि मेरे यहाँ के जो मेरे पिताजी हैं, मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियां इतना यहाँ पर काम कर रहे हैं और राजनीति के द्वारा उनके साथ छल होता है, उनको एक सौतेला व्यवहार मेरे हलके के साथ किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज भारत आप खुद स्वयं देख रहे हैं कि तीसरे चौथे स्थान पे हमारा भारत आज आ चुका है और पहले स्थान पे भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकती है, हमारे हलके को भी बहुत आगे ले जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं तन मन धन से मैं जुड़ी हुई हूँ। जो आपके प्रतिद्वंदी वो अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इनको मालूम है कि ऐसे हमारा जनाधार नहीं बन पाएगा, ऐसे हमको जो है अच्छा खासा वोट नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, बीजेपी की टिकट लेंगे ताकि हम जीत सकें। देखिए मैं इस बात को बिल्कुल नकारती हूँ। प्रत्याशी बहुत है लाइन में, टिकट मांगने वाले बड़े जो है एक लंबी लाइन लगी हुई है, कहाँ खड़ा पाते अपने आप? बाहर वाले का हमने बहिष्कार किया और अभी भी बाहर से हम बहिष्कार कर रहे हैं। क्षेत्र ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया, उन्हें सम्मान दिया, लेकिन आज हमारा क्षेत्र फिर भी वही की वही है। टिकट को लेकर कितने जो है आश्वस्त है कि हाँ हम पहले नंबर पर हैं और कहीं ना कहीं पार्टी हम पर भरोसा जताए? हमारा समर्थन पूरा है तन मन धन से। ये इलाके की हैं, इलाके के बारे में सब कुछ जानती हैं, हर आदमी से जुड़ी हुई हैं। हमारे आज तक भी जो भी कैंडिडेट है वो बाहर का है, ये अभी हमारे इलाके के बारे में जानते हैं, तो जो जानते हैं तो यानी काम भी अच्छा करेंगे। हम तो बीजेपी वालों को यही कहेंगे, कोई बाहर का आएगा वो हारेगा, संतोष हारेगी, सीताराम का कोई वजूद नहीं है। बहन जी हमारे नजदीकी है, सारे आसपास के गांव हैं, सब राज्य हैं कि हमारे बीच में रहती हैं। अगर इनको टिकट मिल गया, अगर ये वैसे भी होगी निर्दलीय से, जब भी इनको वोट देखना कितने वोट आएंगे। भावुक हो चुके हैं क्योंकि इतना अच्छा खासा जो है समर्थन प्यार अपने परिवार का, अटेली के जो है इनका पूरा कुनबा एक तरीके से अटेली है तो उसका मिल रहा। मेरा तो पूरा जीवन सफल हो गया, मुझे अटेली हलके ने, मेरे सभी ने मुझे पहचान लिया है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूद है अटेली हलके के अंदर। हरियाणा प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसी के साथ तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और सभी जो टिकटार्थी हैं अलग अलग पार्टियों से वो भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में अटेली हलके की बात की जाए तो अहिरवाल क्षेत्र का यानी कि दक्षिण हरियाणा का गढ़ माना जाता है, जहां पर हर पार्टी की विशेष नजर अक्सर देखने को मिलती है। तो साथ ही कहीं ना कहीं अटेली हलके में रामपुरा हाउस की राजनीति भी अलग तरीके से काम करती है। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत में एक बार फिर जुड़ रहे हैं विजय यादव, जो अपना खुद का एक ट्रस्ट चलाते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय नामक जो ट्रस्ट, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल अटेली हलके में सक्रिय हैं और एकमात्र ऐसी नेत्री हैं यानी कि हलके की बेटी लगा लीजिए क्योंकि स्लोगन में बेटी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में एकमात्र ऐसी नेत्री हैं जो अब तक अटेली हलके का लगभग 2 से 3 राउंड पूरा कर चुकी, यानी कि 84 गांव और उसमें अगर ढानियों को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 104 के आसपास गांव और ढानियां बनती हैं, उनमें 2 से 3 बार राउंड लगा चुकी हैं, जनसंपर्क कर चुकी हैं।
ऐसे में बातचीत करेंगे कितना कुछ जनसमर्थन इनको मिल रहा है और जिस उद्देश्य के साथ राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं तो क्या इनका वो मकसद अब फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से जो अपने उद्देश्य में सफल हो रही हैं, इनको क्या लगता है अटेली हल्के की क्या कुछ जो है हवा देख रहे हैं, क्या कुछ जनता का मन टटोलने का पढ़ने का काम इन्होंने अब तक किया है। विजय यादव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। विजय यादव जी क्या कहेंगे अटेली हल्के में, 2 से 3 बार आप पूरे क्षेत्र को कवर कर चुके हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कैसा जो है समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि अटेली जो है ये हल्का, ये मेरा घर है जी, और यहाँ की मैं बेटी हूँ, और यहाँ राउंड की बात तो है ही नहीं कहीं ना कहीं से। मैं यहाँ पर शुरू से ही बजाड़ गांव से हूँ, बजाड़ गांव में मैंने जन्म लिया है जी, और यहाँ पर मैंने यहाँ एक एक चीज को एक एक पलते हुए सब कुछ देखा भी है यहाँ पर। तो यहाँ का एक हर भावना हर घर से, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, तो इन सबकी हर भावना जुड़ी हुई है मेरे दिल से मेरे हृदय से। और नमो भगवते वासुदेवाय ट्रस्ट जो है वो इसी अध्यात्म से, मैं बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ी हूँ, श्रीमद् ठाकुर जी की मैं भक्त हूँ, और बचपन से ही 5वीं क्लास से ही मैं भगवत गीता पढ़ती आ रही हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ठाकुर जी ने, ठाकुर जी का आशीर्वाद समझ लीजिए, ठाकुर जी और राधा जी भी अब मेरे साथ हैं, उनकी सेवा करती हूँ मैं, तो सौभाग्य है कि मैं अपने अटेली घर में, मैंने हर गांव में भगवत गीता खुद स्वयं मंदिर में पाठ करना किया है और अभी आगे भी करूँगी। तो 104 गांव हैं, 104 गांव में हर घर से मैं जुड़ी हुई हूँ जी। तो अब बात की जाए राजनीति, क्योंकि एक अध्यात्म की बात अलग होती है लेकिन फिलहाल आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो क्या मन को टीस लगी? मैं फिर वही जानना चाहूंगा, कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी हाँ जी, तब आपने सारी चीजें खुलकर बताई, लेकिन आज फिर जानना चाहेंगे क्योंकि जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, तो क्या ऐसी मन को टीस लगी, क्या ऐसे जो है विचार आए कि हाँ अब हमें भी राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहिए? मैं बचपन से ही अपने घर में स्वयं, मतलब वैसे मैं राजनीति परिवार से नहीं हूँ, मेरी कोई कहीं से बैकग्राउंड राजनीति की नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो हरियाणा रोडवेज में GM रहे जी, और उन्होंने पंजाब से यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, और उन्होंने हर घर में मोस्टली जहां तक देखा जाए कि उस टाइम जो भी आ जाते, जिस गांव से भी कोई भी कहीं से भी आ जाते, तो अपने बच्चे को भी ये 10वीं है ये 12वीं है ये कर रहा है, तो साहब इसको नौकरी, तो उसी हिसाब से उन्होंने नौकरियां भी दी। और तो मैंने अपने दादाजी को देखा जी, वो 35 साल वो सरपंच रहे, और उन्होंने SC समाज के लिए तो बहुत, कोई गांव का नहीं पूरे समाज में उन्होंने काम किया SC समाज के लिए, तो SC समाज से मैं स्वयं भी जुड़ी हुई हूँ, मुझे भी बहुत उनकी भावनाओं की और हर चीज की वो है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति मेरे लिए अटेली है, मेरा राजनीति का मतलब ही मेरे लिए अटेली है, राजनीति में आना, और राजनीति में अब से नहीं, पिछले 17-18 साल से मैं कर रही हूँ काम यहाँ पर, और मेरे लिए बहुत मुझे दर्द होता है कि मेरे यहाँ के जो मेरे पिताजी हैं, मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियाँ इतना यहाँ पर काम कर रहे हैं, और राजनीति के द्वारा उनके साथ छल होता है, उनको एक सौतेला व्यवहार मेरे हल्के के साथ किया जाता है, तो उसी को लेकर मैं राजनीति में, मेरी यहाँ पर कोशिश है मेरी, मेरे को सभी ने मुझे कहा भी, मेरे को सभी से आशीर्वाद हर गांव से हर घर से मुझे मिला हुआ है, कि सभी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का जो यहाँ से पूरा लगाव है और जो जानती है एक एक चीज को, तो हमें, हम चाहते हैं हमारी बेटी यहाँ से आए जी। विजय यादव जी बड़ी बात ये है, बीजेपी से जुड़े हुए आप लगातार जो है, आपकी एक तरीके से देखा जाए तो टिकटार थी भाजपा की तरफ से, आप चाहते कि बीजेपी के द्वारा आपको टिकट दी जाए, आपको अटेली से चुनाव लड़वाना चाहिए, भाजपा के साथ ये जुड़ाव किस तरीके से? देखिए हमारे भारत में आप देखते हैं बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे भारत पे हर मनुष्य से, हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है, और सनातन धर्म से, हिंदुत्व से, और भारत को
हकीकत में प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर जाना चाहते हैं पहले स्थान पर। आज भारत बहुत पीछे था, आज भारत आप खुद स्वयं देख रहे हैं कि तीसरे चौथे स्थान पे हमारा भारत आज आ चुका है और पहले स्थान पे भी आएगा। और उन्हीं की विचारधारा से मैं काफी प्रभावित भी हुई हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलना चाहती हूँ और इसी तरीके से मैं काम करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आने से, सरकार बनने से आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में बदलाव हुआ है, नहीं तो यहाँ पे कोई बदलाव की कोई उम्मीद ना थी ना आगे किसी और पार्टी से कभी हो सकती है। अभी अभी आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, तभी भाजपा से जुड़े या फिर लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े? वैसे मैंने देखा है आप बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, हाँ तो कितने लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले काफी मतलब 10-12 साल से मैं हूँ। 370 धारा का जब हुआ था, गुलाम नबी आजाद जी ने और लोगों ने विरोध किया था, तो मैंने उस विचारधारा को, भाई देश सबसे पहले है, तो मुझे काफी प्रभावित हुई थी कि 370 धारा हटाई गई। और तो मैंने उस टाइम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मैं आई और मैंने यहाँ पे काम तो पहले से, ये तो मेरा घर है, मैंने बता ही दिया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मुझे बहुत पसंद है और मैं नमो भगवते वासुदेवाय ट्रस्ट के द्वारा मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक में जो विचार है, आज जैसे आप स्वयं देख भी रहे हैं जी, श्री रास बिहारी जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री जी भी आए हैं काफी समय से, बहुत पहले से ही। मेरे दादाजी भी गौशाला की, मतलब जैसे आज बताया कि भाई देशी गायों का आप दूध पीजिए, तो गौशाला से जुड़े रहे हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। तो एक हिंदुत्व की, एक हमारे सनातन धर्म की रक्षा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकती है, हमारे हलके को भी बहुत आगे ले जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं तन मन धन से मैं जुड़ी हुई हूँ। विजय यादव जी, अब बड़ा सवाल ये उठता है, हाँ जी, क्या आपको ये लगता था या फिर आपको ये पहले से मालूम है कि राजनीति में अगर हम सक्रिय होते हैं तो पार्टी की टिकट के बिना जीत हासिल कर पाना मुश्किल है, इसीलिए भाजपा के साथ जुड़े? या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमें इनकी विचारधारा अच्छी लगी, काम करने का तरीका अच्छा लगा, ये बात है या फिर ये दूसरी बात? क्योंकि चर्चाएं अक्सर चलती है, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो जो आपके प्रतिद्वंदी है वो अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इनको मालूम है कि ऐसे हमारा जनाधार नहीं बन पाएगा, ऐसे हमको जो है अच्छा खासा वोट नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, बीजेपी की टिकट लेंगे ताकि हम जीत सके। देखिये, मैं इस बात को बिल्कुल नकारती हूँ। मेरे हलके में मेरे लोगों को, एक एक मैंने जैसे स्वयं बताया कि एक एक घर से जुड़ी हूँ और लोगों को सभी से प्रेम है। एक नमो भगवते वासुदेवाय के साथ पहले से लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मुझे बहुत पसंद है और भारतीय जनता पार्टी से रही बात आपकी टिकट की, तो भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को बड़ा सोच समझ के, मुझे पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो जीतने वाले कैंडिडेट को यहाँ से टिकट देगी। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी तरह का लोभ लालच नहीं, मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, मैं लोभ लालच मोह माया मेरे अंदर मैं त्याग चुकी हूँ। पहले ही मैं समाज में काम कर रही हूँ, तो मुझे अपने हलके के लिए मेरे को काम करना है और मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर हाल में जीतने वाले कैंडिडेट को ही लाएंगे यहाँ। प्रत्याशी बहुत है, हाँ जी, लाइन में, हाँ जी, टिकट मांगने वाले बड़े जो है, एक लंबी लाइन लगी हुई है, कहाँ खड़ा पाते अपने आप? देखिए, सभी अपना अपना जोर लगा रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। मुझे अपने काम से, मुझे स्वयं अपने काम में, मैं एक सुई की नोक जितना भी मैं अपने काम में, मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं से कहीं तक कुछ कमी हो, तो मैं अपने कर्म में लगी रहती हूँ, मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ। आगे भविष्य ठाकुर जी की और भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेंगे। अटेली हलके ने कहीं ना कहीं क्षेत्र की बेटियों को या फिर महिलाओं को अनेक बार मौका दिया, चाहे पूर्व में अनिता यादव की बात हो, चाहे भाजपा से 2014 में जो यहां से जीती संतोष यादव, उसके बाद विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी बनी, तो इस बार विजेश यादव मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ महिलाएं जरूर मैदान में हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार अटेली हलका बदलाव करेगा, किसी नए महिला चेहरे को आगे लाएगा या फिर जो पुराना डर्रा चला रहा राजनीति का वही कंटिन्यू? देखिए, जो हलके की बात आती है तो हलका तो अटेली की बेटी को लाना चाहता है जी। आप सभी बैठे भी हैं यहाँ, आप पूछ भी सकते हैं और आप पूरी जगह, सभी जगह जाके भी कर सकते हैं। रही बात अनीता जी की,
देखिए वो हमारे हाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, हमारे अटेली हल्के की जो दर्द इन्होंने सहा है, जो सोतेलापन व्यवहार जो हुआ है, तो सभी की अभी एक पुकार यह भी है, हमने पिछली बार भी ये करी थी, सीताराम भाई को भी हमने टिकट दिलाई थी कि बाहर वाले का हमने बहिष्कार किया और अभी भी बाहर से हम बहिष्कार कर रहे हैं। अनीता यादव जो है वो बाहर से है, उन्होंने उस दर्द को नहीं समझा, उन्होंने वो उनको मौका पूरा दिल से सभी ने दिया। बाहर वालों को हमारे क्षेत्र ने बहुत बार मौके दे चुके हैं और संतोष बहन जी भी बाहर से हैं, अटेली से नहीं है। क्षेत्र ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया, उन्हें सम्मान दिया, लेकिन आज हमारा क्षेत्र फिर भी वहीं की वहीं है। तो हमारा क्षेत्र अब इसमें कहीं से कहीं तक भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगा और सभी से आप बात कर सकते हैं, सभी आपको अपने मन की बता भी देंगे। तो सभी के अंदर यही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर से ही हो। विजन क्या है? अक्सर नेता आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे चुनाव के समय पर, वो बातें बहुत जो है आकर्षित लगती हैं, बड़ी लुभावनी लगती हैं, और नेता भी वही काम करते हैं, जनता को बहकाने का काम करते हैं। आपका क्या विजन है? कहीं आप भी उन्हीं की तरह उसी पैटर्न पर तो नहीं चल रहे? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपनी निजी जीवन की सभी जिम्मेवारियां मैं पूर्ण कर चुकी हूँ, और निजी जीवन में भगवान ठाकुर जी की उससे मेरे पास सब कुछ सर्व संपन्न हूँ मैं। मुझे किसी भी तरह का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले का लालच, और मैं अब किसी भी तरह से इन चीजों से बाहर आ चुकी हूँ। मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ती ही नहीं, प्रवचन ही नहीं देती, मैं जीवन को भगवत गीता को जीवन में उतार चुकी हूँ। तो मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई लोभ या लालच या जो राजनीति आज सब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतने इतने पोस्टर होर्डिंग गाड़ियां सभी सभी कर रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ पर मेरे भाई हैं, सभी को इन बातों का समझ में आ चुका है। आने वालों का सम्मान सब करते हैं, लेकिन अंदर से सबको पता है कि ये लोग अपने आप को सशक्त करने आए हैं या हमारे अटेली हमारे घर को सशक्त करने आए हैं। तो मेरा जीवन जो है वो मेरे अटेली हल्के को मेरे को सशक्त करना है, और मेरे को इस चीज में कहीं से कहीं तक भी इतना सा भी मेरे अंदर कोई भी किसी तरह का मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं किसी भी तरह से मेरे को कोई है तो आप पता लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया भक्ति और समाज में मैं काम कर रही हूँ, और मेरे पति जो हैं डॉक्टर बख्शी राम जी, जो पद्मश्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने गन्ने की 0238 वैरायटी निकाली, आज भारत को चीनी में इतने ऊपर लेकर आए। पहले 35 देशों से भारत चीनी लेता था, आज दे रहा है। और माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, उनकी कहीं से कहीं तक हम कहां पे हम थे और हमें मतलब ढूंढा और उनको वो सम्मान दिलाया। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें भारत के आज पूरे भारत में चौथे स्थान पर आज उनको वो महत्व मिला है। टिकट को लेकर कितने जो है आश्वस्त हैं कि हाँ हम पहले नंबर पर हैं और कहीं ना कहीं पार्टी हम पर भरोसा जताएगी? देखिए मैं अपने कर्म, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अपने कर्मों पे विश्वास रखती हूँ और मैं अपनी भक्ति पे विश्वास रखती हूँ, मैं अपने बुजुर्गों पे विश्वास रखती हूँ। मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अभी आपने देखा कि मुझे अपने नमो भगवते वासुदेवाय पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर, मैं अभी रक्षाबंधन पर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने गई और वहां पर उन्होंने राखी भी बंधवाई और वहां पर उन्होंने भी मुझे पूर्ण आश्वासन दिया। और सभी जगह सभी लोगों के अपने भारतीय जनता पार्टी में मैं तत्में हूँ। मोदी जी स्वयं चाहते हैं कि यहाँ पर पद्मश्री जो है डॉक्टर बख्शी राम जी ने देश के लिए आज इतना काम किया है, उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने जीवन की जो वो है, तो ये एक एक उनसे हम यही तो कह रहे हैं कि एक अटेली ही तो मांग रहे हैं जी। हाँ जी, तो हमें पूर्ण रूप से मोदी जी पर भी विश्वास है, सीएम साहब पर भी विश्वास है और अपने पूरी हाईकमान जितनी भी जो भी भारतीय जनता पार्टी में है उन सभी पर भी है, और मुझे अपने भरोसे पे भी पूर्ण भरोसा है। नमो भगवते के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी हमारे, हम काम करते रहते हैं, हम निस्वार्थ काम करने वाले लोगों को आगे हमेशा ये बढ़ाते आए हैं, इन्हीं से मुझे हौसला मिला है। मुझे हौसला ही भारतीय जनता पार्टी से और इनकी विचारधाराओं से ही आज मेरे अंदर जो आत्मविश्वास बना है मुझे,
वो यहीं से पैदा हुआ जी। जिस तरीके से आप अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, साथ में आरएसएस की बात हो, विश्व हिंदू परिषद की बात हो, बड़े जो है अच्छे खासे संबंध आपके ऊपर, तो ये संबंध कहीं ना कहीं टिकट दिलवाने में, देखिए किसी लालच से संबंध नहीं है किसी भी तरह से, किसी टिकट के लालच में कहीं से आज तक ना बात हुई है ना कभी कोई इस तरह का कोई बात चली है। ये तो उन्होंने मुझे खुद खोजा है और मेरे को, मतलब मैंने यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ पूरे भारत में, आज मैं हिमाचल में भी हमने 33 गांव गोद ले रखे हैं, हम यूपी के अंदर भी मैंने श्रीमद् भागवत का 8 महीने प्रवचन किया है, मैं पूरे भारत में मैं जाती हूँ। और उन्होंने जब डॉक्टर साहब को खोज लिया और हमें खोजा है, तो वो एक हमारे अलग संबंध है, उनमें हमारा कहीं से कहीं तक राजनीति का कोई संबंध नहीं है। ये इन चीजों को मैं कहीं मैं फायदा भी नहीं उठाना चाहती, मैं चाहूंगी भी नहीं किसी भी तरीके से, मेरे में काबिलियत होगी तो मुझे अवश्य भारतीय जनता पार्टी। मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे, गांव के बुजुर्ग गणमान्य लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि वास्तविकता में क्या माहौल जो है विजय यादव का फिलहाल ये देख रहे हैं। जी क्या नाम? डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, साथ में खड़े हैं विजय यादव जी, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे। और अटेली में क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? बात टिकटों की बात होती है तो अनेक दावेदार है, लेकिन विजय यादव आपके गांव में पहुंचे और लगातार अटेली हलके का दौरा करें, अच्छा खासा स्वागत हो रहा है, तो क्या खासियत ऐसी है कि जो लोग हैं लगातार इनसे जुड़ रहे हैं? ये कड़ी मेहनत करती है और ईमानदारी से, कठिन परिश्रम से भगवान इनको कामयाब करे और अपने हलके की ये पूरी सेवा करें सच्ची और ईमानदारी से। क्यों वो क्या कहेंगे? मैं कह रहा था मन का टिकट मिलेगा तभी तो वोट पड़ेंगे, वोट दिए जाएंगे, पार्टी में से जुड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी, टिकट देने के बाद ही तो इनके इनको वोट दिए जाएंगे, और जब टिकट इनको मिलती है तो बड़ी खुशी की बात है और हम इनके साथ हैं तो साथ इनका वोट देंगे। दावेदार हैं और कई नेता घूमते हैं गाँव में आते हैं, उनमें और इनमें कितना फर्क? ये इलाके की हैं, इलाके के बारे में सब कुछ जानती हैं, हर आदमी से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इनमें फ़र्क, सारा फर्क ही है। और हमारे आज तक भी जो भी कैंडिडेट आए वो बाहर का है, ये अभी हमारे इलाके के बारे में जानते हैं, तो जो जानते हैं तो इनके काम भी अच्छा करेंगे, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। तो इस बार क्या लगता है बदलाव के मूड में है अटेली की जनता? हमारी जनता यानी पिछली बार भी इनकी बीजेपी के साथ थी हल्के की, और अब भी हमारा पूरा हल्का जो है वो बीजेपी के साथ ही है, और हमें उम्मीद है पक्के कि बीजेपी का कैंडिडेट कामयाब होगा। नहीं, कामयाब तो होगा, लेकिन 2014 में आपने कहा कि संतोष यादव जो बाहर से थी, 19 में सीताराम यादव को मिली, अब जो है विजय यादव आपके बीच में है, तो क्या लगता है सबसे दमदार कौन लगता है? सबसे दमदार सीताराम जी से तो बहुत बढ़िया रहेंगे, संतोष जी से भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसलिए हमें इनके इनके साथ हैं, इनका पूरा पूरा इनका साथ देंगे और इनको सपोर्ट करें। क्यों होगा, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे बीजेपी का अभी तक कैंडिडेट था सीताराम, बिल्कुल संतोष भी खूब हमारे गांव से जुड़ी हुई सब, पर उसको भी नहीं मिलेंगे ना सीताराम को। अरे अब ऐसा कैंडिडेट हमारे बीजेपी का नहीं है शिवा इस बहन जी के, पहले ही हम तो मान दो अभी तक 2-3 बार अपने काम में आ चुकी, हम तो इनने शुरू से ये कह दिया बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा हो जो इस इलाके की, हम तो बीजेपी वालों को यही कहेंगे कोई बाहर का आएगा वो हारेगा, संतोष हारेगी, सीताराम का कोई वजूद नहीं है। तो इस बार टिकट टिकट मिल जाएगी तो देखो पार है, ये तो ऐसी बात है बीजेपी का ऐसा, इब नए चेहरे लाए कोई क्या है, और जो ये हमारी बेटी है इसका हमने पूरा यही कहा, पढ़ी लिखी सब तरह का इसमें सब गुण है, तो कहते कि अटेली है, मेरा पूरा परिवार है, मेरा कुनबा है, तो कुनबा तो बेटी के साथ जाएगा। ओहो वो तो जाएगा, वो तो मैं तो अपने गांव की और अपनी कह सकता हूँ, वो तो सब ये अपने आप जाने, ये तो पहले दिन आई थी हमने वही सवाल किया था, ये बोले टिकट हम लिया होगी तो साथ। जी क्या कहेंगे? गांव खोड़ में आई है बहन जी, पहले इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें भी हमारा गांव पूरा एक साथ बीजेपी के साथ, और जनता हमेशा बीजेपी के पक्ष में,
बशर्ते कैंडिडेट कोई भी हो, हम कैंडिडेट पसंद करते हैं लोकल। बाहर का कोई आदमी आके उतरता है तो कैंडिडेट वोट नहीं डालते हैं। अगर लोकल हमारा कोई भी कैंडिडेट, जैसे बहन जी हमारे नज़दीकी है, सारे आसपास के गांव हैं, सब राज्य हैं कि हमारे बीच में रहती हैं, अगर इनको टिकट मिल गया, अगर ये वैसे भी होगी निर्दलीय से, जब भी इनको वोट देखना कितने वोट आएंगे, ये चुनाव कैंडिडेट के ऊपर है। बाकी बीजेपी के साथ हैं, हमेशा बीजेपी के साथ दिया है। अगर हम भगवान से दुआ करते हैं कि टिकट हाईकमान इनको मिल जाए तो भारी बहुमत से जीतेंगी। अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ती हैं तो फिर भी बहन जी का वोट देखना कितने वोट जाते हैं इनके, क्यों इनके विचारधारा, इनके काम। अभी बात सुनी यहाँ पर, इनकी बातों में कोई लोभ लालच, कोई ऐसी भावना, पार्टी बाजी से कोई बगावत करना उसको, ये बाकी और बहुत आते हैं यहाँ पर, वो उसकी कुड़ी खोलता है, वो उसकी कुड़ी उखलता है। बहन जी का मुख से हमने आज तक किसी के बारे में ये नहीं सुना, अब वो ऐसा ये ऐसा। इन्होंने जो बात बताई अच्छी बात बताई पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए, तो ऐसा कैंडिडेट हम पसंद करते हैं जो हमारे इलाका का हो, हमारे बीच में रहने वाला हो, नीति का साफ हो, सुथरा हो, भगवत ज्ञान इनको, हर चीज़ तरह से ज्ञान इनको। तो हम तो यही चाहते हैं कि इनको टिकट मिले और भारी बहुमत से जीतेगी। क्यों जी, यही आप बिल्कुल सही बात है, बहन जी बहुत अच्छा काम करेंगे हमारे यहाँ का। बहन जी हम तो सोच रहे हैं कि मोदी जी को भी, और जो अपना सैनी साहब हैं, अपना जो ना ये है क्या नाम है, सीएम है, तो उनको भी वो होना चाहिए, बहन जी को टिकट दे खूब, हमारा काम तो है ही, और हमारा जितना भी अटेली हल्का पूरा बहन जी को जिताएगा। सबका मन है ब्रजेश यादव की तरफ है अपने तय दिल से, ना तो सीताराम ने कोई काम किया हमारे इलाके के लिए, जो इससे पहले संतोष उसने भी कुछ नहीं किया, और बहन जी का विचार बहुत अच्छे हैं और हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। तो हम तो तय दिल से, हमारा पूरा गाँव पूरा एरिया इनके साथ है। पार्टी आपको पसंद है लेकिन प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, प्रत्याशी बिल्कुल बहन जी जैसा होना चाहिए, हमारी बेटी है, समझो, इनके विचार बहुत अच्छे हैं और हम तो पूरा सब मिलकर इनका साथ देंगे जी। हाँ जी, ब्रजेश यादव जी, गांव के लोगों के बीच में इतना प्यार मिल रहा है, लोगों ने दिल खोल के बिल्कुल बातें आपके सामने रख दी, यानी कि एक बेटी आपको कहते हैं तो एक बेटी की तरह ही आपको जो है समझाया इन्होंने, तो क्या कहेंगे जिस तरीके के विचार आपको देखने को। बोलने से ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है, मुझे इतना प्यार मिल रहा है और मेरी भावनाओं को ये समझ रहे हैं, तो मैं सबसे दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हूँ पूरे अटेली हलके की, और इसीलिए मैं अटेली की बेटी कहलाती हूँ। बिल्कुल, नेताओं को भावुक होते हुए नहीं देखा होगा लेकिन वास्तव में ही एक बेटी के तरह कहीं ना कहीं अपने परिवार के बीच, अपने कुटुंब के बीच भावुक हो गई। ये नेता के अंदर ये गुण शायद यहाँ को देखने को मिले, नेता कभी भी जनता के बीच आपको भावुक होता हुआ नजर नहीं आया हुआ, लेकिन ब्रजेश यादव की आंखों में आंसू है अपने परिवार का, अपने कुटुंबे का, अपने लोगों का जो समर्थन और प्यार प्रेम देख कर। ब्रजेश यादव जी भावुक हो चुके हैं क्योंकि इतना अच्छा खासा जो है समर्थन, प्यार अपने परिवार का, अटेली के जो है इनका पूरा कुनबा एक तरीके से अटेली है तो उसका मिल रहा है। तो पार्टी के लिए भी, आपके लिए भी डिमांड कर रहे हैं पार्टी से कि ब्रजेश यादव जैसा कैंडिडेट हमें चाहिए। मेरा तो पूरा जीवन सफल हो गया, मुझे अटेली हल्के ने, मेरे सभी ने मुझे पहचान लिया है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज अपने जीवन का सबसे कीमती, आज मेरा ये पल है, मेरे जीवन भर याद रहेगा। यानी कि राजनीति से ऊपर उठ के ये प्यार प्रेम से। हाँ जी, हाँ जी, ब्रजेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब ज्यादा परेशान नहीं, आप और भावुक होकर सवाल करेंगे तो धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे साथ अटेली से ब्रजेश यादव और इनके कार्यक्रम खोड़ गाँव के अंदर मौजूद थे, तमाम लोगों से बातचीत करवाया, ब्रजेश यादव के विचारों से आपको अवगत करवाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में जिस तरीके से अटेली की जनता, खोड़ गांव के लोगों का कहना है कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, पार्टी हमें पसंद है, तो ऐसे में बीजेपी की टिकट को लेकर ब्रजेश यादव फिलहाल लोगों की पहली पसंद है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कॉमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।